मेरा नाम सुनील कुमार सिंह है। मैं श्री कृष्णापुरी सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति का योजनाकार हूं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू ब्लॉग में। हर हर महादेव। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों, नवरात्रि जो है कल से प्रारंभ होने वाली है और देवघर में बहुत सारे सुंदर सुंदर पंडाल बनाए जा रहे हैं। वैसे तो मेरा मन था कि जितने भी पंडाल बनाए जा रहे हैं सभी का मैं जो है वीडियो आप लोग से शेयर करूं, लेकिन मैंने जो है अभी पॉसिबल नहीं है। तो आज मैं कल से प्रारंभ हो रहा है नवरात्रा और आज मैं अभी आई हूँ यहाँ पर आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पर बहुत ही सुंदर जो है पंडाल बनाया जा रहा है कृष्णापुरी में। जी हाँ, मैं अभी फिलहाल खड़ी हूँ कृष्णापुरी में और यहाँ पर जो है हर एक साल बहुत ही सुंदर पंडाल बनाए जाते हैं जो लोगों को बहुत ही आकर्षित करते हैं, लेकिन इस बार का जो पंडाल है बहुत ही सुंदर बनाया जा रहा है और बहुत ही ज़्यादा लोगों को आकर्षित करने वाला है। तो यहाँ का जो पंडाल है वो वृंदावन के प्रेम मंदिर के थीम पर जो है ये पंडाल, दुर्गा पूजा पंडाल यहाँ पर बनाया जा रहा है। और जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है 1 करोड़ से ज़्यादा लागत में जो है ये दुर्गा पूजा पंडाल बनाया जा रहा है। तो चलिए विशेष जानकारी ज़्यादा अंदर चलते हैं और यहाँ पर कुछ जानकारी भी लेंगे और आपको अच्छे से पंडाल के बारे में जानकारी भी देंगे और अच्छे से आपको दिखाएंगे भी। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो अभी तक की जो तैयारी हो चुकी है यहाँ पर वो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। देख सकते हैं कि वृंदावन के प्रेम मंदिर का जो थीम है उसी के थीम पर जो है ये पंडाल बनाया जा रहा है। अभी आप देख सकते हैं इतना भी जो है अभी बन चुका है फिलहाल और अभी तैयारी जो है ज़ोर शोर से यहाँ पर चल रही है। और इधर का भी मैं आपको दिखा दूँ, इस साइड से आप देख सकते हैं कृष्णापुरी मेन रोड से जो है इतना दूर अंदर आने के बाद जो है देख सकते हैं सामने में मेन रोड है, ठीक है। इतना दूर पूरा डेकोरेट किया जाता है सामने में, आप उधर देख सकते हैं। और इतना अंदर आने के बाद जो है ये पंडाल यहाँ पर बनाया जा रहा है और बहुत ही अच्छा डेकोरेशन किया जा रहा है। अभी चलते हैं थोड़ा सा अंदर, अंदर का भी थोड़ा सा व्यू आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अभी जितना तैयारी यहाँ पर हो चुका है अंदर का पूरा दृश्य मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिये कितना सुंदर, थोड़ा सा कैमरा ऊपर करके दिखाइएगा, देखिये कितना सुंदर जो है यहाँ पर बनाया गया है। और अभी तो अभी इसकी खूबसूरती उतना देखने को मतलब अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब ये जब पूरा तैयार होगा तब इसकी खूबसूरती देखने को जो है लाइट के साथ आपको बहुत ही सुंदर यहाँ पर जो नज़ारा देखने को मिलेगा। बहुत ही सुंदर पंडाल जो है बनाया जा रहा है और यहाँ पर देख सकते हैं कैमरे की भी यहाँ पर जो है व्यवस्था है। देख सकते हैं यहाँ पर कैमरा भी लगाया गया है, उधर देखिए इधर भी कैमरा है और इधर भी कैमरा है, सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पर कलाकृति जो है आप बोल सकते हैं कलाकारों का जो मेहनत है यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसको बनाने के लिए क्या यूज करें? ये खस है क्या? फोम है। फोम है। अच्छा, ये सब देख सकते हैं जो कलाकृति आप देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ये सब फॉर्म पर जो है बनाया जा रहा है। बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया जा रहा है। इस खूबसूरत पंडाल के साथ जो है माता जी का भव्य प्रतिमा का जो है दर्शन यहाँ पर कर पाएंगे। यहाँ पर जो है माँ की प्रतिमा बिठाई जाएगी। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तैयारी चल रही है और इस पंडाल के देख सकते हैं दोस्तों, अगर खूबसूरती की बात की करें तो उसका कोई अंत नहीं है। बहुत ही सुंदर कलाकृति जो है देख सकते हैं, पूरा जो है फॉर्म पर जो है बनाया गया है। देख सकते हैं कितना सुंदर कलाकृति है, कटिंग वगैरह आप देख सकते हैं कितना साफ सुथरी, एकदम बहुत ही सुंदर लग रहा है, अमेजिंग। तो ये जब लाइट सजावट के साथ, लाइटिंग के साथ जब आप लोग इस पंडाल को देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। इसकी खूबसूरती जो है देखने के लिए आप लोग भी उत्सुक होंगे। इतना सुंदर जो है पंडाल बनाया जा रहा है, देख सकते हैं बहुत ही बारीकी कलाकृति जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। देख यहाँ पर जो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे जो है आपको यहाँ पर प्रतिमाएं दिख रही होंगी जो कि राधा कृष्णा जी के बहुत सारे रूप को जो है यहाँ पर दर्शाया गया है। देख सकते हैं अभी काम चल रहा है, पूरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और ये सब जो है अभी मैंने आपको दिखाया, मेन रोड से जितनी भी सजावट की जाएंगी वहाँ पर ये सब जो है प्रतिमाएँ लगाई जाएंगी। देख सकते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से और अभी कम्प्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पर देखिए बहुत ही सुंदर मोड़ यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है और ये देख सकते हैं, और बहुत ही सुंदर मूर्ति है जो कि अभी सजावट के लिए जो है ये सारी मूर्ति जो है लगाए जाएंगे। कृष्णापुरी का पंडाल जो है हर साल बहुत ही ज़्यादा लोगों को आकर्षित करता है और इस बार का जो पंडाल है बहुत ही खूबसूरत है जो कि अभी मैंने आपको थोड़ी बहुत दिखाया। और जब ये सजावट पूरा तैयार हो जाएगा तो उसकी खूबसूरती जो है देखने लायक होगी। तो सर, सबसे पहले आप अपने बारे में परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम सुनील कुमार सिंह है। मैं श्री कृष्णापुरी सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति का योजनाकार हूँ। यहाँ जितनी भी एक्टिविटीज़ आप देख रहे हैं विगत कई सालों से, जब से पूजा शुरू हुई है तब से मेरे ही देखरेख में होती है और इसमें पूरे समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष,
सचिव कोषाध्यक्ष सारे मेंबर का मुझ पर यह बिलीव है कि वो लोग विश्वास करते हैं और हर बार मैं कुछ न कुछ अलग करने का प्रयास करता हूं। और इस बार भी हम जो है यहां पर वृंदावन का प्रेम मंदिर को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे तो ये प्रेम मंदिर बहुत ही बड़े जगह में वहां बना हुआ है वृंदावन में, लेकिन उसको यहाँ पर हम लोग उतारने का प्रयास मात्र कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों को अच्छा लगेगा। और इस पंडाल में जो खर्च आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सुंदर पंडाल बनाया जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, खर्च तो लाजमी है, जब अच्छी चीज आप करेंगे तो खर्च होगी। और इस बार पूजा का कुल बजट हम लोग 1 करोड़ रुपया रख रहे हैं, जिसमें से कि बहुत ज्यादा खर्च हमारा प्रसाद पर भी होता है। हमारे यहाँ जो है अनवरत जो है बहुत अष्टमी नवमी दसवीं तीनों दिन प्रसाद का वितरण होता है, उसमें लगभग हम लोगों का लगभग 20 लाख रुपए का कॉस्टिंग आ जाता है। और उसके अलावा आप सामने से जो देख रहे हैं पूरा जो है वृंदावन का झांकी देखने को मिलेगा, उधर भी जैसे पेंटिंग वगैरह हो रहा है वो सारे पर जो है आपको जो है वही झांकी का स्वरूप देखने को मिलेगा। और इसलिए लाइटिंग भी बहुत ही सुसज्जित ढंग से लगाया जा रहा है, सामने बिल्डिंग से लेकर के मेन रोड तक सारे गेट वगैरह लगाए जा रहे हैं, तो कुल सारे चीजों पर जो है व्यय होना लाजमी है। तो सिर्फ पंडाल का अगर बात करें तो पंडाल में कितना मतलब खर्चे हुआ वो उसके बारे में? देखिए, एग्जैक्ट तो पंडाल का पर्टिकुलर खर्च अभी मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन लगभग अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ कि पंडाल में हम लोगों का 25 से 30 लाख रुपया खर्च आ जाएगा पंडाल का। यानी कि पंडाल को लेकर थोड़ा जितना जो भी व्यवस्था सजावट प्रसाद लेकर सारा लेकर यहाँ पर जो 1 करोड़ का बजट हम लोग इस बार लेकर चल रहे हैं जी। चलिए, धन्यवाद आपको इतना सब अच्छा जानकारी देने। थैंक यू। तो दोस्तों, वृंदावन के प्रेम मंदिर के थीम पर ये बनाया गया जो दुर्गा पंडाल बनाया जा रहा है वो देखने में काफ़ी सुंदर होने वाली है और आप लोग भी बहुत उत्सुक होंगे इसे देखने के लिए, क्योंकि ये जो है प्रेम मंदिर के थीम पर जो है ये बनाया जा रहा है, देखने में काफ़ी खूबसूरत है और सजावट के साथ देखने का जो मज़ा होता है वो अलग ही होता है। आगे ब्लॉग में भी आपको देखने को मिलेगा, जब यहाँ पर घूमने आऊँगी तो मैं आप सजावट के साथ इसका जो ब्लॉग आपको देखने को मिल जाएगा। और उम्मीद भी करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। हर हर महादेव।